हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रेसिपी बाई संध्या में। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो फालूदा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। हाफ लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, गैस ऑन करेंगे, दूध में एक उबाल आने देंगे। दूध में उबाल आ गया है, गैस को लो पे कर लेंगे और 10 मिनट दूध को और पका लेंगे। दूध गाढ़ा होने लग गया है, एक बड़ा चम्मच चीनी, चीनी को अच्छे से घुलने देंगे दूध में। चीनी अच्छे से घुल चुकी है दूध में, दूध को उतार के एक साइड में रख लेंगे और बिल्कुल ठंडा होने देंगे। एक पतीले में मैंने 2 गिलास पानी ले लिया है, हल्का सा गर्म होने देंगे। पानी गर्म हो चुका है, हाफ कप सेवई ऐड कर लेंगे। सॉफ्ट होने तक उबाल लेंगे सेवई को। सेवई सॉफ्ट हो गया है, गैस को ऑफ कर लेंगे। छन्नी में ड्रेन करके वॉश कर लेंगे टैप वाटर से सेवई को। एक बाउल ले लिया है, 1 टीस्पून सब्जा सीड, आधे कप पानी में भिगो लेंगे। मैंगो फालूदा की सारी तैयारी मैंने कर ली है। फालूदा सर्व कर लेते हैं। 2 ग्लास ले लिया है, 1 टीस्पून रूह अफ़ज़ा, छोटे छोटे पीस में कट किया हुआ आम का पीस, 4 फ्लेवर की जेली, आप कोई सा भी फ्लेवर यूज कर सकते हैं जेली के लिए। 2 स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जेली, 1 सब्जा सीड, मैंगो प्यूरी, सेवई फालूदा, गाढ़ा और बिल्कुल ठंडा दूध, मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम, आप वनीला भी ले सकते हैं। थोड़ा सा काजू डाल लेंगे, लाल और हरे रंग की टूटी फ्रूटी, थोड़े से आम के पीस। हमारा मैंगो फालूदा बनके बिल्कुल रेडी है, बहुत ही यम्मी बना है। आप भी इस तरीके से एक बार मैंगो फालूदा ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।